नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर महीने की 6 तारीख को हम क्लब 35 का एक चैरिटेबल इवेंट करते हैं जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ होता है। लायंस क्लब का सहयोग रहता है और यहाँ पर हम कोशिश करते हैं उन सभी महिलाओं को जागरूक करने की जो 35 वर्ष की अवस्था में अपने कार्य में लगी रहती हैं, बहुत ज्यादा अपनी फैमिली की तरफ कंसर्न रहता है और स्वास्थ्य की तरफ कंसर्न नहीं रहता है। तो हर महीने हम एक टॉपिक चुनते हैं जो कि एक आपके होलिस्टिक और हेल्थ डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, जिसमें ओवरऑल ऑल्टरनेटिव थेरेपीज मींस अदर देन मेडिकेशन पे बात होती है। अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएंगे तो आपको आने वाले समय में, मैं ये तो नहीं कहती कि आप पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि पूर्ण स्वास्थ्य लाभ की या पूर्ण स्वास्थ्यता की डेफिनेशन ही एकदम अलग है। उस पर पहुंचने के लिए तो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, इन सब चीजों पे बात करनी होती है। तो इन सारी आयामों पे काम करने के लिए बहुत सारी चीजों का मिश्रित रूप है, जिसमें मेरी कोशिश होती है कि सारी चीजों को हम धीरे 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 मिलाकर बनाकर रख सकें। सो आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो है एक्यूमेसोथेरेपी। कुछ ये भी है कि इन सारे चीजों से आपको रूबरू कराने जैसा है ये सारी चीजें। तो जो लोग भी वीडियो ओपन कर सकते हैं वो प्लीज वीडियो ओपन करें, क्योंकि अगर मैं वीडियो ऑफ करके समझाने लगी तो आपको कैसा लगेगा। तो जो लोग ऑन द वे हैं, जो लोग कुछ ऑफिस में हैं, परेशानी है वो बात अलग है, पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको एक कनेक्टिविटी हार्ट टू हार्ट फील करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको अपने चेहरे दिखाने पड़ेंगे, और अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो बात अलग है। सो अभी स्टार्ट करते हैं। एक्यूमेसोथेरेपी मतलब मसाज और एक्यूप्रेशर का सम्मिश्रण। तो अगर हम अपने हाथ को देखें तो पहले तो एक सिंपल ये हाथ है, बहुत सारे लोग जो जुड़ रहे हैं वो एक्यूप्रेशर के ज्ञान वाले भी होंगे। सो बहुत सिंपलेस्ट एक्यूप्रेशर जो कि आपके काम आ सकता है वो समझा रही हूँ। ये दो पैर हैं हमारे, रिजेंबल करते हैं ये दो बीच की उंगलियां हमारे पैरों को और दो ये साइड की उंगलियां हमारे हाथों को और ये हाथ हमारे गर्दन और सिर को, ठीक है। तो अगर हम ऐसे रखें तो आप इसको देख पाएंगे, ये ऊपर जा रहा है तो ये गर्दन और सिर है, ये दो हमारे साइड के हाथ हैं और ये दो हमारे पैर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मोटे तौर पे रिफ्लेक्सोलॉजी की बात हम कर रहे हैं कि किसी के सिर में दर्द है अगर, तो हम यहाँ पर टिप पर मसाज करेंगे या पॉइंट करेंगे, ठीक है। अब अगर किसी को गर्दन में दर्द है तो ये हमारा गर्दन जिसपे मैंने मैग्नेट लगा रखा है, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी खांसी आ रही थी तो उसके लिए मैंने मैग्नेट लगाया, तो ये थ्रोट एरिया है, तो ये हेड एरिया है, ये थ्रोट एरिया है। ऐसे ही थ्रोट के नीचे का हिस्सा क्या आएगा, हमारा हार्ट और लंग्स का आ जाएगा। अब अगर हम यहां से देखें, जब हमने बताया ये दोनों पैर है हमारे, तो ये हिस्सा पाम साइड का हमारे आगे का हिस्सा बताएगा और ये हिस्सा बैक साइड का हमारे पीछे का हिस्सा बताएगा, ठीक है। तो नाखून साइड मतलब हम पीछे की तरफ से अपने शरीर को देख रहे हैं, और अगर हम फ्रंट साइड से देखेंगे तो हम अपनी बॉडी को आगे की तरफ देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस अपनी बॉडी की सिमेट्री को फील करते हैं। आप सब लोग थोड़ी व्यवस्थित हो जाएं तो हम इसको रिपीट कर दें, क्योंकि ये काम का है, फिर आपको ऑनलाइन देखना पड़ेगा, क्योंकि सब व्यवस्थित हो जाए। आज का हमारा टॉपिक था जैसे कि एक्यूमेसोथेरेपी, एक्यूप्रेशर प्लस मसाज, साइंटिफिक मसाज का सम्मिश्रण। तो आज मैं बता जो रही हूँ, जो अभी तक बताया है मैंने, वो ये है कि हमारा हाथ हमारे शरीर का रिफ्लेक्शन है। तो हमारा हाथ किस तरह से हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और कैसे हम इसका मसाज करके अपनी बॉडी को फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसा मैं बता रही हूँ। तो ये मेरा हाथ है, जैसे ये हमारा हेड रिप्रेजेंट करता है, हेड एंड नेक, ठीक है। तो ये हेड है, ये थ्रोट है, और यहाँ के बीच दो उंगलियां हमारा पैर है और ये दो उंगलियां किनारे वाली हमारे हाथ है, ठीक है। और ये फ्रंट हिस्सा है तो ये आगे का बनेगा और ये बैक हिस्सा है तो ये पीछे का बनेगा। अब हम अपनी बॉडी को इस पे देखेंगे कि कैसे सेट होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसकी मसाज सीखेंगे। तो सबसे पहले ये दो पैर है अगर हमारे, तो अगर हम इनको सबसे पहले समझें, ये पैर है, तो अगर हमारे यूरिनेशन में प्रॉब्लम है या लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम है तो दो पैर है और तो ये यहाँ पे आए, ठीक है। ये
हिस्सा हमारा, अगर हम इसको प्रेशर देंगे कि मेरे को जिमी ला दीजिएगा, हाँ वुडन वाली, तो अगर हम इस पे प्रेशर देंगे इस तरीके से तो हमें आराम आएगा, यूरिनेशन प्रॉब्लम हो, वेजाइनल इचिंग हो, हाँ दो उंगलियों के बीच का। अब ये दो उंगलियां हैं अगर, तो अगर हम नीचे के पैरों को डिवाइड करें तो एक है हमारा पैर के पंजे तक का एरिया, एंकल तक का, एक है हमारा नी तक का एरिया और एक है हमारा थाई तक का एरिया, और ये अंदर की तरफ से मतलब फ्रंट साइड से। तो ये अगर हमारे एंकल में पेन है तो हम इस पार्ट को ऐसे मसाज करेंगे, अगर हमारे बीच के नी में पेन है तो ये नी ज्वाइंट है तो हम इस हिस्से को प्रेशर देंगे या दबाएंगे, या हम एक मेथी की स्ट्रिप लगा सकते हैं, ठीक है। और इस हिस्से में अगर थाइज में पेन है तो बजाय थाइज को विग्रेस करने के आप अगर इस हिस्से को मसाज करते हैं तो आपको रिलीफ आए, ठीक है। तो आप अपने हाथ को ही ऐसे बना सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं। सभी लोग खाली ना बैठे, कुछ एक्टिविटी करें, ठीक है, करके देखें। तो हल्का सा ऑयल आप लगा सकते हैं, हम लगाएंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ज्यादा लगाएंगे तो वो मूवमेंट होगा, किसी भी, दोनों हाथ सिमेट्रिकल है, दोनों दोनों में किसी से भी करेंगे, हाँ दोनों सिमिलर है। यही सेम चीजें आपको यहाँ पे भी मिलेंगी। तो अगर आपको थाइज में रिलैक्स चाहिए तो यहाँ पे आपने ऐसे बनाया, इनको ऐसे किया, प्रेशर दिया, ये दो उंगलियों का हमने ऐसे हुक बनाया, और ना कि हम ऐसे इजिली कर रहे हैं, हम इनको भी प्रेशर दबा रहे हैं और घुमा भी रहे हैं, तो ये दो तरीके का फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे अच्छा क्या होगा कि हम पूरे ही फिंगर में ऐसे राउंड एंड राउंड मसाज करें, पीछे ले जाए और आगे लाए, तो बहुत अच्छे से आप एक तरीके से टेक्निकली मसाज भी कर रहे हैं और आपके ऑर्गेन्स भी आपको पता है कि किस पे हमें ज्यादा प्रेशर देना है। अगर हमें नी के अराउंड रहना है तो यहाँ पर, अगर हमें एंकल के अराउंड रहना है यहाँ पर, अगर हमें थाई ग्रॉइन एरिया में प्रॉब्लम है, पेन है, स्टिफनेस है तो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये और ये दोनों पैर हैं और इनको हम अच्छे से मसाज करेंगे तो हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और अगर आपको बहुत पेन है तो आप इसका अंतर भी महसूस कर पाएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये दोनों हाथ हैं तो सिंपल इसी तरह, ये वाला फर्स्ट एरिया हमारे, ये जो हमारे रिस्ट के आगे का हिस्सा है, ये बीच का हिस्सा आपका, ये सेकेंड हाफ कोर होगा, और ये वाला शोल्डर पॉइंट होगा। तो अगर शोल्डर में पेन है तो आप अगर ये वाले ज्वाइंट पे आओगे तो आराम आए, ठीक है। तो अगर आप बहुत अच्छे से इस पॉइंट को आप ऐसे प्रेशर दोगे तो शोल्डर ज्वाइंट में आराम आए, ठीक है। तो आप ये वाला हिस्सा और ये दोनों करके देखोगे दोनों हाथों में तो आपको आराम आए, ठीक है। अब बात करते हैं जो सबसे सेंसिटिव है, जो जल्दी जल्दी हम लोग परेशान हो जाते हैं, वो है थ्रोट एंड हेड, ठीक है। तो अगर ये हमारा नेक और हेड है तो अगर हमें हेडेक हो रहा है, दीपक पानी चाहिए, एक्सक्यूज मी,
हेलो 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 थोड़ा सा रुकना होगा जी आप सभी को। सॉरी आराम से करो गले को। तो हम पहुंचे थे पैरों पे, तो हमारे पास एक पेशेंट है। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ध्यान पूरा किरण जी पे था। तो हम पे थे, जैसे अभी मेरे को थ्रोट में प्रॉब्लम हो रही है ना, खांसी आ रही है आज सुबह से। ये तो मैंने मैग्नेट लगाया है, अगर मैं इसको खोलती हूँ पुनीता जी, मुझे सीजर दे दीजिए। हाँ, सो ये सेलो टेप से हमने ये मैग्नेट चिपकाया हुआ है। ये है हमारे पास जिमी, एक ये वुड की है। आप इसकी जगह कोई भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, पेन हो सकता है, एक मेथी का बॉक्स भी हमें दे दीजिए और एक टेप। इसमें अगर आपको ये थ्रोट है और ये हेड है, ठीक है। अब ये हेड का ये फेस है और ये हमारी बैक नेक। अगर गर्दन में पेन है तो हम यहाँ पर प्रेशर देंगे, अगर थ्रोट में पेन है या इरिटेशन है तो हम यहाँ पे पेन प्रेशर देंगे। अगर फेस में कुछ करना है तो ये हमारा फेस है, ठीक है। अब हम इसको, ये हमारी आर्ट होनी चाहिए कि ये फेस है तो इसमें फॉरहेड कितना होगा, इसमें आईज कहाँ होंगी, नोज कहाँ होगी और माउथ कहाँ होगी। इसको ही डिजाइन करके अगर हम क्लिक करेंगे तो आराम आता है। और ईयर्स कहाँ होंगे, तो ईयर्स हमारे यहाँ पर होंगे साइड में। तो अगर हम आप इसको ऐसे प्रेशर देंगे तो आपको ईयर्स में रिलीफ आएगा, ठीक है। अरुण जी, आप तो स्क्रीन पे दिख रहे थे, मुझे लगा आप स्क्रीन पे ही रहेंगे, पर थैंक यू, वेलकम। सो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि कैसे आप इसको करेंगे। अब जैसे थ्रोट में जो इन्फेक्शन है या इरिटेशन है, उस पे आप ऐसे अगर आप मसाज करेंगे ऐसे, तो इस पे थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे कांटे से बने हुए हैं ना, ऐसे सर्कल्स हैं, जिससे प्रेशर देना अच्छा है और ज्यादा प्रेशर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी अपने आप को तकलीफ कौन देना चाहता है, तो अगर कोई और करेगा तो वो ज्यादा अच्छे से करेगा और रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे, बट आप खुद भी करेंगे तो भी रिजल्ट आएंगे। अब अगर गर्दन में पेन है, सर्वाइकल है, तो आप इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। हेडेक है तो इसी को आप यहाँ पे ऐसे ऐसे पिकअप करेंगे, है ना। और इसका फ्रीक्वेंसी ये होना चाहिए कि 1 मिनट में आपको एक ही जगह पे रहना है ना, तो कम से कम 50 टाइम्स आप इसको दबाओ उठाओ दबाओ उठाओ दबाओ उठाओ एक ही जगह। अगर बहुत पेन होने लगेगा तो साइड्स में शिफ्ट हो जाओ, पर मिनिमम 50-60 टाइम्स आपको एक जगह पे करना चाहिए अच्छे रिजल्ट के लिए। और जैसे ऐसा होता है कि अरे आपने किया और तुरंत कम हो गया, फिर आ गया, तो वो आ ही जाएगा, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन है यहाँ पे और यहाँ की नर्व्स यहाँ पे आई है जहां से आपने एनर्जी को शिफ्ट किया है। अब आपको हर 2 घंटे पे ऐसा करना चाहिए, तब जाके आप शाम तक आराम पा पाएंगे। क्रॉनिक इलनेस है तो आप इसको हैबिट में बना के रखें कि करना ही करना है। एक्यूट है मतलब अभी हुआ है 1-2 दिन से, तो आपको जल्दी ही 1-2 दिन में आराम आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हाथ पैर सिर गला, ठीक है। अब बात आती है स्टमक एक होता है, तो हमारा हमने बहुत एंशियंट सुना है कि लोग ऐसे ऐसे हाथ को मलते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटेस्टाइन और स्टमक एरिया ही है, जिसको हम क्लॉकवाइज ऐसे करते हैं तो बाउल मूवमेंट अच्छा होता है, ठीक है। तो लोग तंबाकू रख के भी करते थे, आप और भी चीजें रख के कर सकते हैं, तो पहले करें फिर खाएं, लोग ऐसा करते थे, भले ही वो तंबाकू थी पर कर सही रहे थे, ठीक है। तो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से हमारी इंटेस्टाइनल जो प्रिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो एक्टिवेट होते हैं और वो काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा थायराइड और हार्ट एरिया है, तो इस पे अगर आप प्रेशर देते हैं ऐसे भी देते हैं तो भी अच्छा है, इसको ऐसे पकड़ लेते हैं और ऐसे देते रहते हैं तो अच्छा है, ठीक है। इधर से आते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा जब हम नीचे जाएंगे 2 फिंगर्स के बीच में, तो ये हमारा क्या पॉइंट होना चाहिए, एनएस होना चाहिए। अगर आगे हमने यूरिनरी ब्लैडर दिखा दिया और वजाइना है, तो पीछे हमारा यहाँ पे 2 फिंगर्स के बीच में ये एनएस है। एनएस से पीछे चलेंगे तो मतलब ये जो सॉफ्ट बोन हमारी आ रही है
है ना। तो ये हमारी टेल बोन है, टेल बोन से ऊपर चढ़ेंगे तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड ऊपर तक, ठीक है। तो सेंटर पे मतलब अगर इसके पीछे एक ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा बैक एक एरिया हो गया L4 L5, जो सभी का दुखता है, सभी लोग ये फील करते हैं कभी ना कभी, बहुत एक्सर्शन में, उम्र के किसी भी पॉइंट पे। तो आप इस पे प्रेशर दें जब इस तरीके से, या इनको इस तरीके से मसाजिंग करें तो रिलीफ आता है, और ये इंस्टेंट रिलीफ आता है। ये हमने बहुत सारे पेशेंट को ट्राई किया, दबाया या लगा दिया। तो यहाँ पे ये पॉइंट और दूसरा ये पॉइंट, क्योंकि दोनों ही ये है ना, तो ये दोनों ही मिलेंगे दोनों तरफ, ये आपको बहुत काम का पॉइंट हो सकता है आपके लिए। हाँ, बीच में बोन पे करेंगे तो पेन आएगा, जो पतली बोन्स है मेटल्स, मेटाकार्पल्स और कार्पल्स, उनके बीच में, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है दीपक, एक हमें राजमे या चने, हाँ ये है, अभी मैंने बताया अगर आपको प्रेशर देना है तो 1 मिनट तक एक जगह पे, फिर दूसरा जगह शिफ्ट कर दीजिए, और दिन में 3-4 बार, ठीक है। अब हमारे पास ये राजमा, ये चना है, चना, राजमा, मटर, कुछ भी यूज कर सकते हैं। और ये वैसे तो पेपर टेप होना चाहिए, पर अभी हमारे पास सेलो टेप अवेलेबल है। इसको आपने जैसे काटा और ये चना लगाया, और इसको आपने जहां पे भी प्रेशर देना है, जैसे मैंने ये बताया ये एनएस का एरिया है, अगर वहां पे पेन है, बैठने में पेन हो रहा है बिल्कुल टेल बोन पे, तो आप यहाँ लगाएंगे। तो लंबर एरिया में हो रहा है तो आप यहाँ लगाएंगे, आप अपना लोकेशन के हिसाब से नीचे खिसक के जाओ। और ये बात है कि अगर आपको जहां पेन ज्यादा होगा वहां पर दर्द भी ज्यादा होगा इस रिफ्लेक्शन पे, और जगहों पे नहीं होगा। तो आपने ये लगा दिया, अब इसको प्रेशर देना बहुत आसान है। अब जब आप इसको दबाओगे बहुत एक्यूरेट दबा पाएंगे, बजाय जो हाथ से दबा रहे थे। और ये दबे बने रहने से भी आपने इसको चिपका दिया है, एक और टेप आप इधर ऐसे मार लो, ऐसे क्रॉस लग प्लस बना दीजिए। दीपक अपने पास पेपर टेप बिल्कुल भी नहीं है, इसी को आप ऐसे प्रेस, एक प्लस बना दीजिए, इधर से लगा दीजिए, और इसको ऐसे ऐसे दबाते रहिए, दिन भर काम भी कर सकते हैं, तो उससे आपको शाम तक काफी रिलीफ फील होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि डोज इतनी पर्याप्त है, धीरे धीरे जो है हम आपको कोई ना कोई टॉपिक लिखते ही जाते हैं। और सेम ऐसे ही पॉइंट्स आपको पैरों में मिलते हैं, सेम जैसा हाथ में बताया है सेम आपको पैर में मिलेगा। तो इनकेस किसी के हाथ में हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाते तो पैर में करते हैं। हाँ, एक हमारे पास पेशेंट है शाटिका पेन की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि कैसे उनके हाथों में मैं पॉइंट्स लगाऊंगी। आप आओ किरण जी, एक चेयर डाल दीजिए। और पास, और पास। आपने मैग्नेट्स निकाले हैं? तो जो भी टेप आपको यूज करना है उसको आप ले लें। अच्छा, मैग्नेट्स हैं। अब इनके पास जैसे मैग्नेट्स हैं और हम यूज कर रहे हैं मेथी, मैग्नेट्स क्योंकि कम है, तो हम इस मेथी को यहाँ पे ऐसे स्प्रेड कर देंगे। और हमने आपको बताया कि ये आप और पास आओ, और पास आइए, बस अच्छा फील हो रहा है पास में बैठ के। चलिए, ये दो हाथ हैं अगर, तो साइटिका नर्व आपको मिलेगी ये मिडिल फिंगर से, ये साइड और इस वाली फिंगर की ये साइड, ठीक है। तो मिडिल फिंगर की ये वाला हिस्सा, तो ये वाले हिस्से को आपको प्रेशर देना, ये वी जो बन रहा है। तो आप अगर इस वाली जिमी को यूज करेंगे तो आप ऐसे प्रेशर देंगे, इसमें ऐसे देंगे और दिन भर देंगे तो आपको आराम आएगा, इतना प्रेशर जितना दे रहे हैं। अभी आपको दर्द हो रहा है क्या? ऐसे, और सेम ऐसे ही पैर की उंगली को भी आप यूज कर सकते हैं ऐसे प्रेशर, उसको भी इसी के बीच में, हाँ ऐसे, ठीक, ऐसे आप प्रेशर। ये सभी लोग ट्राई कर सकते हैं जिमी यहाँ से उठा के, ठीक है। अब हमने जो बताया कि इसको कैसे यहाँ पे हम ऐसा कुछ लगा दें
कि इनको प्रेशर मिलता रहे। तो उसका तरीका ये, टेप को ऐसे चिपकाया मेथी के ऊपर और आपने ऐसे लगा दिया, ठीक है। हाँ। अभी ये होना चाहिए था पेपर टेप, आप पेपर टेप से पेपर टेप से तो बहुत इजीली करता है। फिर आप इसको सर्कल बना दो। अब इतना बढ़िया प्रेशर इनकी इस साइड की वेन पे मिलता रहेगा, नर्व पे। ऐसे आपने ये बांधते हैं तो कितनी देर रखना चाहिए? 4 to 6 hours। हाँ, सेलो टेप से ये भी फायदा है कि आपको तो फूल जाएगा मेथी का दाना, तो भी आपको 4 घंटे ये ऐसे, ठीक है। अब आपको लंबर के उस एरिया पे मैग्नेट लगाना है जहां से ये ओरिजिन है ना, मतलब मींस L4 L5। तो आपने इस तरह का पेपर टेप लिया, इसको ऐसे प्लस बनाया, और हमारे पास तो ये मैग्नेट है, ये स्टार चक्र इसको बोलते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे लगाया और आपने ये दो फिंगर्स के नीचे गए तो इस पॉइंट पे आपने ये मैग्नेट को लगा दिया, ठीक है। ये लंबर एरिया है ना। अब आपको यहाँ पे भी एक लगा सकते हैं और एक यहाँ से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन है, यहाँ आया फिर ये रेडिएट किया, तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। हाँ, यहाँ फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पे चना लगाए, यहाँ एक मटर या चना लगाए, फिर यहाँ पे लगाए, ऐसा। तो ऐसा ही पेपर टेप भी सेम, ये हमारे पास खाली दिख रहा है। और अगर एक्यूरेट लगे होंगे तो तुरंत ही उस पे पैल्पिटेशन शुरू हो जाएंगे, जहां पे भी आप लगाएंगे बहुत तेजी से ब्लड सर्कुलेशन काम करने लगेगा, ठीक है। सो थैंक यू इतना पेशेंसली हमें वॉच करने के लिए। सो टाइम खत्म हो रहा है, मैं कोशिश करूंगी इसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल करा पाऊं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू।